पीफंड सीरीज। तो पीफंड सीरीज जो है वो 5th नंबर पे बिलोंग करता है। जब बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में, जो नॉर्मल सीरीज हमारे पास आते हैं उसमें स्टार्टिंग होती है लाइमन से। तो पहला सीरीज होता है हमारे पास लाइमन, देन वी हैव लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड। तो अगर आप यहाँ पर N1 के वैल्यूज देखेंगे तो 1, 2, 3 अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर N1 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 5। तो वैसे ही रिस्पेक्टिवली पीफंड सीरीज के लिए N1 की वैल्यू जो होगी वो 5 आएगी। तो एज यूजुअल सेम फार्मूला आप लोग यूज करेंगे जो आप लोग स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, दैट इज 1/λ विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू न्यू बार कॉल्ड एज वेव नंबर, दैट इज इक्विवेलेंट टू RH इन ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। जहाँ पर N1 की वैल्यू जो है, क्योंकि ये पीफंड सीरीज और ये 5th नंबर पर आ रही है तो इसकी N1 की वैल्यू जो है वो 5th होगी। मतलब एनर्जी लेवल्स में अगर बात करेंगे तो अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 अज्यूम कर लूँ और यहाँ पर ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पर जो n = 5 है, सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो यहीं से ऑकर करेंगे। 5th नंबर का जो एनर्जी लेवल होगा वहीं से सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये पीफंड सीरीज है। अब देखो N1 की वैल्यू 5 होगी और N2 की वैल्यू जो है दैट कैन बी मोर देन 5, सो दैट इज 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम लोग हर बार बात करते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की। यहाँ पर जो रीजन में ये बिलोंग करता है ये वापस इंफ्रारेड रीजन को ही बिलोंग करता है। अब उसके लिए जो वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है दैट इज 2 to 790 to 74600। ये बहुत बड़ा वेवलेंथ का रेंज हो जाता है। इसी हिसाब से अगर कोई रेंज है तो एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी होगी और एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी होगी। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है 22780 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को बिलोंग करती है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आती है वो आएगी 74590, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ। तो 74590 की जो वेवलेंथ आती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, सॉरी लॉन्गेस्ट होती है, और ये वाली जो होती है ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को बिलोंग करती है। अब पीफंड सीरीज के बाद हमारे पास गिन के सिर्फ 6th और 7th ही सीरीज बच जाते हैं। तो पीफंड सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से ट्रांजिशंस जो हैं वो अपवर्ड्स बहुत कम होंगे, लेकिन डाउनवर्ड ट्रांजिशंस, जिसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन मिल सकता है एज कम्पेयर टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि पीफंड से ये सिर्फ और सिर्फ आगे ही जा सकता है, हम्फ्री को जा सकता है, एंड लास्ट हमारे पास लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पी ब्रैकेट, पीफंड एंड हाँ हम्फ्री। सो ये हम्फ्री सीरीज तक जा सकता है। और अदर देन दैट अगर बात की जाए तो पीफंड सीरीज जो है वो बहुत एप्लीकेशन में आता है। अगर आप लोगों को इंफ्रारेड रीजन के अंदर कोई मॉलिक्यूल डिटेक्ट करना हो, या फिर इसके जो वेवलेंथ्स हैं आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट तो ऑब्वियसली बता दिए गए हैं। तो अगर ट्रांजिशंस होते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1/λ = न्यू बार विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेव नंबर, दैट इज इक्विवेलेंट टू RH इन ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। RH क्या है? RH है रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट, एंड रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को। RH की वैल्यू होती है 1.0937, ये आप लोगों को RH की वैल्यू दी हुई है, एंड दैट इज इन 10⁻⁻⁷ आपको यूज करनी है। 10⁻⁷ है, सॉरी 10⁻⁷ है। अगर आप लोगों को इसको पावर में नहीं यूज करना तो ये एज इट इज 0, मतलब पॉइंट आप शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट पीफंड सीरीज।